अच्छा, ये जो चीज थी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। ये देखें, पीसी और राउटर एक ग्रुप का पार्ट है, तो हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए क्रॉस केबल यूज की थी। ग्रुप बी में अगर स्विच, ब्रिज, हब हो तो ये भी आपस में जो कनेक्ट है वो क्रॉस केबल के साथ ही होंगे, ठीक है। अगर आपको पीसी को स्विच के साथ जोड़ना है या कोई भी डिवाइस को स्विच को पीसी के साथ जोड़ना है, राउटर को स्विच के साथ जोड़ना है, तो हमने स्ट्रेट केबल यूज करनी है, ठीक है। ग्रुप ए को ग्रुप बी में से किसी के साथ जोड़ना है तो स्ट्रेट केबल यूज करनी है। ग्रुप ए को जोड़ना है, ग्रुप बी को आपस में जोड़ना है, उनकी मतलब अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो हम वहां पे क्रॉस केबल यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज तो थी पुरानी ही, अब इसको भूलना नहीं है हमने कौन सी केबल यूज करनी है। अच्छा, ये देखें, अभी तो हमने एक राउटर के साथ काम किया है। जब हम मोर देन वन राउटर यूज करते हैं तो उसमें दो तरह की राउटिंग होती है, एक होती है स्टैटिक राउटिंग होती है, एक होती है डिफॉल्ट राउटिंग, जिसे हम डायनामिक राउटिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक राउटिंग में देखो भाई, तुम एक बंदे के साथ डायरेक्ट लिंक में हूँ, मैं तीसरे राउटर के साथ कैसे कनेक्ट करूंगी, तो मुझे वहां पे उसका नेम, उसका एड्रेस सारा डालना पड़ेगा। और उसका एड्रेस यही होता है ना, उसका लाइक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। हाँ जी, तो इसकी ये कमांड है आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, ठीक है। जो आपने नेटवर्क आईडी डालनी है वो सबनेट मास्क उसका, जिस जो डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी है। आउट गोइंग इंटरफेस, जहां से वो गुजर के जा रहा है, तो ऐसे ये कमांड होगी, ये कन्फिग टर्मिनल मोड के ऊपर है। आईपी राउट रिजर्व वर्ड रहेगा, उसके बाद उसका जो है वो हम लिखेंगे आईपी, जो आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी है, ठीक है, जो आपने पाथ ऐड करना है वो। फिर उसके बाद हमने उसका सबनेट मास्क लिखा, और वो जहां से गुजर के जा रहा है, जिस ऑनगोइंग आउट इंटरफेस से गुजर के जा रहा है वो। ये मैं बताती हूँ आगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको क्लियर समझ आता नहीं है। राउटर कन्फिग आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, वही चीज सबनेट मास्क। भाई ये दो तरीकों से होती है स्टैटिक राउटिंग, या फिर आप सीरियल दे दो उसका, या फिर आप उसका नेक्स्ट होप आईपी दे दो, नेक्स्ट होप आईपी जहां से वो गुजर रहा है। जैसे सीरियल है तो इसी तरह इसका नेक्स्ट होप आईपी है, ठीक है। ये तो होगी कमांड, आप स्टैटिक सारी कमांड्स लिख रहे हैं, सबको जो है ना अलग अलग पाथ दे रहे हैं। और एक होती है डिफॉल्ट राउट, बड़ी नाइस कमांड है ये। आपने सीरियल पोर्ट लगाई हुई है, जितने भी कनेक्ट किए हुए हैं राउटर, राउटर है ना, राउटर में फास्ट इथरनेट नहीं होता, राउटर सीरियल के साथ अटैच होती है। ये आप चीज मैंने आपको क्लियर की हुई है कि इसमें सीरियल्स के साथ अटैच होती है। आईपी राउट रिजर्व वर्ड 0.0, ये जो है ये आईपी यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीरियल मतलब जितनी भी ये सीरियल इस 2/0 के साथ अटैच है, उस सब को ऑटोमेटिकली जो है आप खुद ब खुद आईपी दे दे। बाकी ये रिमूव की कमांड है, कोई भी कमांड अगर गलत लिखो हो जाए, नो लिखना है उससे पहले ना, वो कमांड जो है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज थी। अब मुझे ये वाला इस तरह काम मुझे ये करना है, ये सेटअप बनाना है, मुझे ये सेटअप बनाना है। भाई आप मुझे खुद बताओ, ये पीसी ए है, ये राउटर का टेबल है, ये जो नीचे बने हुए हैं ना, ये राउटर का टेबल है। मैंने आपको दिखाया था ना शो आईपी राउट में, इस तरह सी सी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप मुझे खुद बताओ, इस राउटर के साथ कौन कौन सा नेटवर्क अटैच है? एक तो ये वाला अटैच है, ठीक है, 1.0 वाला, और एक कौन सा अटैच है, 4.0 वाला। ये इस चीज को पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.0 वाला, क्योंकि ये असाइनेबल आईपीज लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम असाइनेबल आईपीज किस कहाँ पे देते हैं भाई, जब एक नेटवर्क आईडी दे दी जाती है तो ब्रॉडकास्ट आईडी भी हमें पता होती है, तो तभी हम असाइनेबल आईपी यूज कर सकते हैं। तो हम उस पूरे के पूरे नेटवर्क को ना नेटवर्क आईडी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1.0 वाला नेटवर्क अटैच है और 4.0 वाला नेटवर्क अटैच है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड कौन से है, इस वाले राउटर में एक है 4.0 वाला, एक है 5.0 वाला, और एक है आपका
ये 2.0 वाला, इसके साथ तीन डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस राउटर के राउटिंग टेबल में एक 5.0 वाला है और एक 3.0 वाला है। ये देखें फास्ट ईथरनेट, ये वाली फास्ट ईथरनेट के साथ अटैच है। ये फास्ट ईथरनेट 1.0 सीरियल 5.0। भाई ये पीसी ने, ये वाले राउटर ने, ये वाले पीसी ने इसको डाटा सेंड करना है। मेरे राउटिंग टेबल में इसके राउटर का डाटा नहीं है, मेरे राउटिंग टेबल में इस बंदे का डाटा नहीं है, तो मुझे कितने नेटवर्क्स ऐड करने होंगे? मेरे पास 4.0 वाला है, 1.0 वाला है, मुझे 3 स्टैटिक राउटिंग ऐड करनी पड़ेगी। 3 स्टैटिक कौन कौन सी? एक 5.0 वाला नेटवर्क, एक 3.0 वाला नेटवर्क, मतलब पूरी की पूरी नेटवर्क आईडी ना, और एक 2.0 वाला नेटवर्क। ये देखें 2.0 वाला, 3.0 वाला और 5.0 वाला। इस वाले राउटर में किस किस की हमें जरूरत है? इसके साथ 4.0 वाला अटैच है, 5.0 वाला अटैच है, 2.0 वाला अटैच है। इसके साथ जो नेटवर्क अटैच नहीं है वो है 1.0 वाला और 3.0 वाला। इसमें दो स्टैटिक राउटिंग ऐड करनी पड़ेगी। भाई देखो जैसे हमें हाउ नाउ है, आप पीयर टू पीयर लिंक का तो पता है, अब एक बंदे को एक दूसरे बंदे का पता है, लेकिन अब एक बंदा जो है वो इतनी दूर बैठा हुआ है, आप कोई ना कोई सहारा तो लेंगे ना, उसका नाम वगैरह तो पूछेंगे ना। तो इस तरह हमने हमने खुद मैनुअली हर किसी को नाम देना होता है और वो उसकी नेटवर्क आईपी को ही यूज करना होता है और इंटरफेस को यूज करना होता है, वायर्स के अंदर जाके उसकी आईपी को, आईपी का रिकॉर्ड जो है वो एंटर करना। अब ये राउटर 3 है, इसके पास कितने थे? इसके पास भी 2 थे, एक 3.0 वाला था जो फास्ट इंटरनेट के साथ अटैच था, एक इसके पास सीरियल वाला था जो कि 5.0 वाला था। अब इसको कितने कितने ऐड करने हैं? इसको एक 2.0 वाला ऐड करना है, ये देखें, इसको एक 2.0 वाला ऐड करना है, एक 1.0 वाला ऐड करना है और एक 4.0 वाला ऐड करना है। और ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि सीरियल क्या है, ऑन गोइंग सीरियल क्या है। एक तो ये सीरियल बेस है, ठीक है, एक सीरियल बेस था, एक नेक्स्ट होप के साथ है। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मुझे ऐसा सेटअप बनाना है। और अब ये चीज याद रखिएगा, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये भी, ये दोनों जो है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ है। तो हमने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच करना हो तो हम वहां पे कॉपर स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अभी मैं एक पीसी के साथ लगाऊंगी, मैं सेम टू सेम ऐसा ही सेटअप बनाने लगी हूँ, ठीक है, अभी एक पीसी के साथ बस। मैंने एक पीसी लिया, दो लिए और एक और ले लिया, क्योंकि मुझे वैसा सेम टू सेम अपना नेटवर्क बनाना है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। अब मुझे चाहिए स्विच, हम जेनेरिक स्विच ले लेते हैं, ये एम्प्टी स्लॉट वाला रहने देते हैं। टू थ्री, हाँ जी जी, ये मैंने 3 पीसी ले लिए और 3 ही स्विच ले लिए। अब मुझे क्या चाहिए? राउटर्स, ठीक है, 18/41 भी यूज कर सकते हैं, मतलब अच्छा है ये भी। मैं अभी यहाँ पे 28/11 ही यूज कर रही हूँ, जो हम यूज करते आ रहे थे। हाँ जी, ये हो गया। अब कौन सी केबल लगनी है? मैंने आपको बताया ग्रुप ए ने ग्रुप बी के साथ अटैच होना हो या बी ने ए के साथ होना हो तो वहां पे हम कौन सी केबल यूज करते हैं? स्ट्रेट केबल। अब हम अगर मैंने पीसी और राउटर होता, स्विच ना होता, तो फिर मैं डायरेक्ट कॉपर जो है ना क्रॉस केबल यूज करती, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रेट केबल चाहिए। क्लिक किया, फास्ट इथरनेट को चूज किया, स्विच के ऊपर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 को चूज किया, ठीक है। अब ये जो पीसी से स्विच है ना, इसने ऑटोमेटिकली ना देखना, पहले इसका कलर ऑरेंज होगा, क्योंकि स्विच जो ऑटोमेटिकली ऑन होने में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसमें कोई कमांड देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए 60 सेकेंड्स लेने हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना।
फिर कॉपर स्ट्रेट केबल ली, क्लिक किया, ये वाली चूज की, नेक्स्ट फास्ट इथरनेट यहाँ से क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0/0 को चूज कर लिया, ठीक है। अब फिर ये केबल ली, क्लिक किया, फास्ट स्विच के ऊपर क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0/1 को चूज किया, फिर वही सेम स्ट्रेट केबल ली, फास्ट इथरनेट 0/0 को चूज किया, फिर जीरो यहां से फास्ट इथरनेट 0/1 को चूज किया, स्ट्रेट केबल ली, फास्ट इथरनेट जो है FA 1.1 को 1/1 को लिया और यहाँ पे हमने जीरो के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई। अगर अब राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी हो, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी ऐसे नहीं होती। जब आप राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम वहां पे सीरियल केबल को यूज करते हैं, और सीरियल केबल ये है, एक होती है डाटा टर्मिनल एनवायरनमेंट और एक होता है डाटा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। ये टाइमर की है, हम ये वाली यूज करके देखते हैं। अब मुझे ये फास्ट इथरनेट 0/ के साथ नहीं लगानी, क्योंकि आपका राउटर सीरियल बेस होता है। सीरियल, जब एक राउटर टू राउटर कनेक्ट होता है तो वो सीरियल के साथ अटैच होता है। जैसे ये फास्ट इथरनेट केबल है, इस तरह सीरियल पोर्ट के साथ अटैच होता है। तो अब मैं इस राउटर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ये मॉड्यूल्स हैं, ये मैंने अब मॉड्यूल्स में से ऐड करना है क्योंकि मुझे सीरियल केबल चाहिए। मैंने इसको ऑफ करना, मैंने पहले क्या किया, मैंने अपने राउटर ऑन था ना, मैंने उसको ऑफ कर दिया। मैं जा रही हूँ यहाँ पे, ये देखें, एक तो ये है WIC 1T, क्योंकि मुझे ये राउटर कॉर्नर वाला है, यहाँ पे 1T भी काम कर लेगी क्योंकि मुझे एक ही सीरियल चाहिए। अब मैंने ये 1T चूज किया, या ऐसे उठाया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये एक राउटर की होगी। अब अगर हम देखें तो ये इसके साथ अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये देखें सीरियल आ रहा है 0/2/0, ये आ रहा है ना, अगर मैं ये तो ले लेती हूँ, इधर कैसे करना है, इधर भी तो लगानी पड़ेगी ना, तो ये डायरेक्ट कभी भी कनेक्ट नहीं होगी। अब फिर मुझे जो है इसको इग्नोर करना पड़ेगा, मुझे इग्नोर करना पड़ा क्योंकि मुझे सारे राउटर्स में ऐड करना है। अब इस राउटर के ऊपर क्लिक करें, इसको ऑफ किया, अब देखो ये राउटर ने इधर भी सीरियल लगाना है, इधर भी लगाना है, तो इसमें 2T की चाहिए हमें, 2 2। अभी ये नहीं लगानी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, राउटर के ऊपर जाते हैं, ऑफ है ये, मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। यहाँ पे VIC 2T यूज मॉड्यूल ले रही हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और लगा दिया। अब इस राउटर की बारी, इसको भी ऑफ किया, यहाँ पे भी 1T की जरूरत है क्योंकि एक ही हमें सीरियल चाहिए, तो मैंने इधर लगा ले एक ही बात है। अच्छा, अब मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने अभी राउटर्स को ऑन नहीं किया, मैं इसको ऑन कर रही हूँ, मैं सब राउटर्स को ऑन कर रही हूँ। अब ये मॉड्यूल जो है ना इसमें फिक्स हो जाएगा, जैसे हम प्लग एंड प्ले लगाते हैं ना, प्लगइन्स लगाते हैं, इस तरह ये प्लग एंड प्ले मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, सीरियल जो आपकी आपका राउटर है उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं सीरियल पोर्ट्स लगाने के, और ये राउटर टू राउटर सीरियल के साथ अटैच होता है। अब ये देखें, यहाँ से मैंने 0/2/0 को चूज किया, एक इसमें पोर्ट नंबर है, एक इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है, और एक इसमें पोर्ट नंबर होता है टोटल सीरियल का। अब इसको चूज किया, इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ से मैं पहले वाली के साथ जो है वो लगा रही हूँ। अब मैंने ये वाली केबल ली, फिर इसके ऊपर क्लिक किया, अभी ये दो मैंने 2T यूज की थी ना, 2 सीरियल यूज की थी, तो अभी एक बाकी है इसमें, इसके साथ एक थी, तो ये मेरी जरूरत पूरी हो गई।
अब देखें, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाती, यहाँ पे लगा देती थी ये वाला जो है, लाइक मैं ये वाला उठाती हूँ, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये नहीं ले रहा क्योंकि उसने कहा पावर ऑफ करे पहले, ये मैं टूटी उठाया यहाँ पे लगा दिया। अब आप लोग देखेंगे कि जब मैं अगर इस केबल को रिमूव करती हूँ, क्योंकि मैं सेम सेटअप जो है ना वो चाह रही हूँ कि सेम ही करें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई भी। हम दोबारा इसको करते हैं, दोबारा देख लो, जिसने नहीं देखा, पावर ऑफ की, यहाँ पे एक और ले लो, यहाँ पे लगा दी थी मैंने, इसको ऑन कर दें, इधर भी लगा दी थी, इसको भी ऑन कर दें, ये ऑन करेंगे तो ये काम करेगा वरना नहीं करेगा। इधर इधर पहले ही ऑलरेडी नीचे लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे ना सीरियल बड़ा अच्छे सीक्वेंस में आ रहा है। लाइक अब मैं देखती हूँ, हाँ मैं लगाती हूँ, मैं DET टर्मिनल यूज किया, ये देखो ये वाली ले लो, ये बेहतर है। इस तरह ना आप लोगों को समझ भी बड़ी आसानी से आ जाएगी जब हम कमांड्स लिखेंगे। 00 वाली के साथ अटैच कर लिया मैंने, यहाँ पे पहले मैं 00 के साथ अटैच कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब 00/01 के साथ अटैच किया, यहाँ पे क्या किया 0/00 के साथ कनेक्ट कर लिया। अब ये हो गया, मेरा पूरा सेटअप उस तरह कर लिया जैसे ये था, ठीक है। बस ये चीज का डिफरेंस है, 2/0 है, यहाँ पे 2 के साथ है, हम यहाँ पे 3 के साथ कर रहे हैं। अब हमने सेम IP लिखना है, इस वाले जो PC है उसको, इस वाले को, सबको हम जो है कमांड्स देने लगे हैं। 1.1 वाला नेटवर्क देना है, 2.1 वाला देना, 3.1.1 वाला देना है, ये याद है 192.168.1.1, 2.1 क्लिक किया इसके ऊपर। हम PC के ऊपर आ गए भाई, हाँ जी ये ऑन है, PC ऑन है। इधर जाना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है, हाँ जी मुझे स्टैटिक के ऊपर ही देनी है, क्या है 192.168.1.1.1, एंटर किया, सबनेट मास्क आ गया। मैंने आपको बताया भाई गेट पे तो देना ही देना है, और ये आपके जो PC के साथ डायरेक्ट आपका राउटर अटैच है वो होगा, स्विच का कोई स्विच ने बस ना पैकेट ब्रॉडकास्ट करने होते हैं, और मैक एड्रेस प्रोवाइड करना होता है और सिक्योर करना होता है। अब ये देखिए 168.1. क्या था यहाँ पे 1.100, 192.168.1.100, ये एक PC को दे दिया मैंने। अब दूसरे PC की बारी आ गई, इसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर जाते हैं, वापस उधर ही हैं, मूव कर रहे, ये भी ऑन है, डेस्कटॉप के ऊपर आए, IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आए, क्या किया 192.168.168.2.1, ठीक है दूसरा नेटवर्क दे दिया, डिफरेंट नेटवर्क के साथ काम करता है ये 168.2.100, ये दे दिया इस PC को। अब इस PC की बारी, ये ऑन है, डेस्कटॉप के ऊपर जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएं, स्टैटिक राउटिंग के ऊपर आ जाएं, 192.168.168.3.3.1 एंटर करें, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे 192.168.3.100। इसको इधर, अब हमने जो इस वाली पोर्ट के ऊपर IP देना है वो 1.100 है, इधर वाला जो है 2.100 है, इधर है 3.100। हमने यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट किया था, फास्ट इथरनेट 0/0 ही थी ना, फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ ही कनेक्ट किया था, इधर भी इधर भी। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, CLI के ऊपर जाना है, हाँ जी मैंने कहा था नो लिखें, पहला मोड आ गया, इनेबल करें, कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखें, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। अब हमने किधर जाना है, इसके इंटरफेस मोड के अंदर जाना है,
इंटरफेस क्या था, फास्ट इथरनेट 0/1। मैं इसके कौन से मोड के अंदर आ गई, फास्ट इथरनेट 0/1 के अंदर आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, पहले मैं करूंगी नो शट, मतलब के नो शट डाउन स्टेट हो गई, ये देखें चेंज टू अप। आप शट डाउन पूरा लिख लें, नो शट लिख दें, इसने वही काम ही करना है। इंटरफेस के अंदर आई राउटर के, नो शट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे वो आईपी देना है जो मैंने आपके गेटवे पे दिया है पीसी को, आईपी एड्रेस 192.168.1.100 सबनेट मास्क, दैट्स इट, एंटर। अभी ये ऑन नहीं हुई, अब ये देखे मैं इसकी इधर भी करने लगी हूँ। इस राउटर के ऊपर आ रही हूँ, अब मैं CLI के ऊपर आ रही हूँ। स्क्रीन बड़ी किया मैंने, नो लिखा, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखा, हाफ भी लिख रहे ना वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखा, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, इसके अंदर आई, नो शट किया। रूल है इंटरफेस के अंदर आना, नो शट करना, ठीक है जी। फिर उसके बाद देना आईपी एड्रेस 192.168. क्या था, 2.100 था, 255.255.255.0 सबनेट मास्क, आईपी दिया। अब ये इसको हो गया, अच्छा ये हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, इसको क्या तकलीफ है। आप लोग देखो ये देखे, पहले ऑरेंज हुआ फिर ग्रीन हो गया, इसको क्या प्रॉब्लम हुई, ये क्यों नहीं हुआ, क्या इसमें कोई मिस्टेक थी, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, आप लोगों का फोकस ही नहीं है इधर। मैं फिर लेके जाऊंगी, फिर मैं पूछूंगी क्या मिस्टेक है उसमें मैंने की। कॉन्फ़िग टर्मिनल, टर्मिनल लिखे, यहाँ पे आए इंटरफेस, कौन सा था, फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ ही मैंने वायर जोड़ी है ना पीसी की, इसके अंदर आए, नो शट किया, आईपी एड्रेस 192.168.3.3 था 3.100 255.255.255.0, इसने भी हो जाना है ग्रीन, ये इसको क्या प्रॉब्लम है मैम, बताएं शाबाश, ये क्यों नहीं हुई ग्रीन, देखो जरा कहीं पे मिस्टेक है, ये क्या चीज ठीक लिखी है मैंने मैम, 0/0 था, हाँ जी क्या था, 0/0 था इसका भी मैम, हाँ जी। तो अब हमने ये कमांड गलत लिखोगी, यहाँ पे इससे पहले नो लिखा, ठीक है, इसने कहा ये तो वैसे इनवैलिड है, हमने क्या किया एग्जिट किया, हम पिछले मोड के अंदर आए। अब मैंने क्या करना है, इंटरफेस क्या लिखना है मैंने, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, जो जो बंदे का नाम ही नहीं है आप उसके अंदर कैसे जा सकते हैं, उसके घर कैसे जा सकते हैं जी मैम, हाँ जी, नो शट किया। अब आएगा मैंने ये कमांड लिखी हुई थी तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट वैसे ही कर लिया ना, ऊपर अप डाउन एरो के साथ करके, ये देखिए ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये ओवरलैप हो रही है किधर, इसके साथ, तो मुझे पहले इसको रिमूव करना है।
यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा अपना राउटर जो है यहाँ पे वापस आएंगे। ये देखें अब ये ग्रीन हो गई। अब ये देखें फास्ट इथरनेट 0/ जब आप एक राउटर के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो उसकी पोर्ट अप हो गई है। अभी उसको आईपी नहीं दे सके क्योंकि वो आईपी जो है वो 0/1 के साथ अटैच है। ठीक है, वहां से हमें रिमूव करना है। जब हम इस तरह गलत कमांड लिखते हैं तो फिर ये ऐसे सो जाता है सर्वर इसका। एनीवे दोबारा आप लोगों ने रीकनेक्ट करना है जूम को। सब स्टूडेंट्स रीकनेक्ट करेंगे। ठीक है, चले मैं ये ना सेशन एंड करने लगी हूँ, इसके बाद दोबारा रीकनेक्ट करते हैं क्योंकि फिर ये अंदर ही अगर आपका सीरियल का काम रह गया तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आना। मैम नेक्स्ट क्लास भी होनी है हमारी, तो होनी। ये देखो ना, अब ये तो काम ही कुछ नहीं किया, ये तो ऑल पहले भी किया हुआ इतना सारा। दोबारा रीकनेक्ट करो सारे, मैं अभी करने लगी हूँ।